भाखड़ा विस्थापितों के हितों का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए 150 वर्ग मीटर की पॉलिसी में आवश्यक संशोधन करने के फैसले का स्वागत करते हुए बिलासपुर बचाव संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वहां पहुंचने पर अभिनंदन किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष तरुण डाडू ने कहलूर रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि देश को रोशन करने के खातिर अपना घर बार सब कुछ गंवा चुके विस्थापितों के मजबूरीवश किए जा रहे कब्जों पर हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बाद कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी, जिस कारण विस्थापितों को फिर उजड़ने का डर सता रहा था। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका आज दिन तक किसी सरकार ने हल नहीं निकाला है। जब बांध निर्माण के समय नए शहर में पुनर्वास किया गया तो जितनी जमीन पुराने शहर में आई थी उसके मुताबिक नए शहर में नहीं दी गई। हालांकि उस वक्त परिवार सीमित थे, लेकिन समय के साथ परिवार भी बड़े हैं और मजबूरन लोगों ने अपने घर के आसपास थोड़ी बहुत जगह घेर ली, लेकिन इसे अवैध कब्जों का नाम दिया गया और सालों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाती रही, जबकि ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ के लोगों ने भाखड़ा बांध निर्माण में अपनी कुर्बानी दी है। तरुण के अनुसार 6 माह पहले ही संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसके तहत हकों की लड़ाई शुरू हुई। इस बीच कई बैठकों में संघर्ष की रणनीति बनी तो कई बार सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से हक उठाने की आवाज बुलंद की गई। उन्होंने बताया कि जब विधायक के नेतृत्व में समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला तो उस दौरान उन्हें आश्वस्त किया गया कि जल्द ही विस्थापितों के हक में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कोई परिणाम ना निकलते देख सब परेशान थे और ऊपर से हाईकोर्ट के आदेशों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके बाद विधायक सुभाष ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई, जिस पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया था और परिणाम स्वरूप कैबिनेट में पॉलिसी में अमेंडमेंट को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से विस्थापितों को बहुत बड़ी राहत मिली है और उम्मीद जागी है कि अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा बल्कि न्याय होगा। उन्होंने बताया कि इस मसले को लेकर सरकार के समक्ष विधायक सुभाष ठाकुर के अलावा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्बाल और एडवोकेट जनरल अशोक कुमार का काफी सहयोग रहा। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 2 बार की मुलाकात पर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मसले पर बातचीत की थी और सकारात्मक आश्वासन भी दिया था। बिलासपुर बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। पिछले कई वर्षों से बिलासपुर वासियों पर जो एनक्रोचमेंट की तलवार लटकी हुई थी उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, व माननीय विधायक सुभाष ठाकुर जी ने, व त्रिलोक जम्बाल जी ने जो किया है उसका हम हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। ये तलवार ऐसी थी कि हमें एनक्रोची कहा जाता था। हमने 999 साल की लीज पे बसाया गया था और हमने यहाँ पे कोई एनक्रोचमेंट नहीं कर रखी थी। सरकार ने हमें भारी राहत दी है इसमें, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और संघर्ष बिलासपुर संघर्ष समिति और बचाव का सलाहकार हूँ। बिलासपुर का जो इतिहास है, इसे 1960 में यहाँ की जमीन अर्जित की गई और यहाँ पर 3-4 किस्म के औसीज हो गए और उनको बसाव के लिए बहुत थोड़ी थोड़ी जगह दी गई। परिवार बहुत बढ़ गए तो मजबूरी बस कुछ नजायज कब्जे करने पड़े और उसके ऊपर एक यहाँ से सिविल केस हाईकोर्ट में गया। उसमें म्यूनिसिपल कमेटी को, डीसी को और अन्य को पार्टी बना दिया। वो सिविल अपील थी, सिविल अपील में ऐसे बनते नहीं अपन बना दिए और आए दिन हाईकोर्ट का ऑर्डर चलता रहा कि इस शहर के कब्जे को हटाया जाए। गौरतलब है कि सरकार ने कैबिनेट में बिलासपुर के विस्थापितों के कब्जों को लेकर बनाई पॉलिसी में आवश्यक संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए समिति तहदिल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व अन्य लोगों का आभार व्यक्त करती है और मुख्यमंत्री का बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा।